तो लिस्ट, इन लिस्ट में क्या होता है? देखिए देखिए, मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ कंप्यूटर, यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन डेल एचपी लेनोवो वगैरह। फिर मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ स्मार्टफोन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है ओप्पो वीवो वगैरह। हाँ, मतलब जो हम ऑप्शन मेन लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे उसके सब आइटम्स हमें यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे। इस तरह से जब हम कोई शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें डेटा के जो गलत एंट्री के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा काम जो करना पड़ता है शीट डिज़ाइनर को करना पड़ता है, कि उसको पहले सारा डेटा लेना पड़ता है, डेटा के साथ उसको किस तरह से सब लिस्ट ऑप्शन को उसके साथ ऐड करना है। जब डेटा एंट्री करने वाले कोई ऑप्शन देते हैं तो वो इजीली कर लेता है, और इसमें डेटा आपके पास एक्यूरेट आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी इसके अंदर। लेकिन ये काम होता कैसे है इसको समझना है। इस काम को समझने के लिए पहले आपको सारा डेटा प्रिपेयर करना है। इस तरीके से जैसे मैंने डेटा प्रिपेयर किया हुआ है कि मैंने एक कॉलम बनाया है, आइटम नाम रखा है उसका, जितने मेन लिस्ट के आइटम्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली हर आइटम के जो सब आइटम्स हैं वो उसके सामने लिख दिए गए हैं, जो आके आपको इस तरीके से नजर आ रहे हैं। अगर कोई हमें एक नया आइटम इसमें ऐड करना है तो हमें वो यहाँ पर लिखना है, पर याद रहे विदाउट स्पेस ऐड करना है, ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। स्पेस की जगह पे आप एक साइन यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के लिए शिफ्ट के साथ माइनस का बटन यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, ड्रेस है, शूज है, प्रिंटर है, बाइक है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, शर्ट है, अडोप्टर है, ये सारे ऑप्शन तो इसके अंदर मौजूद है। अब इसमें कोई नया ऑप्शन ऐड करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स को हमें या तो ऐसे लिख दें, ठीक है, या फिर आप कोल्ड और ड्रिंक अलग लिख रहे हैं, उसे कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये डायरेक्टली हमने ऐड कर दिया। अब उसमें कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स है, पैप्सी है, ड्यू है, पाकोला है, ठीक है, और कौन सी है, सेवन अप है, ठीक है, कॉक है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसके बाद जब ये है कि जब इसमें ऐड हो गया तो हमें इस तरह से हर आइटम्स को ऐड करते जाना है और ऐसे भी ऐड करते जाना है। अब मैं ये करने लगा हूँ कि ये मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं तो इनको रिमूव कैसे करूँगा। फॉर्मूला, यहाँ से गया मैं नेम मैनेजर में, नेम मैनेजर में जाने के बाद यहाँ से क्लिक किया और इनको सबको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गए नाम पहले से। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इनका नाम रखना है। इनका नाम क्या रखना है, ये दूसरा आइटम का नाम ये रखना है। ये नाम मैं कैसे रख सकता हूँ, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका इनको सबको सेलेक्ट करूँ, फॉर्मूला में जाऊँ, डिफाइन में क्लिक करूँ और इसका नाम रखूँ आइटम। दूसरा तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट करूँ एंड देन सेलेक्ट करता हुआ आ जाऊँ नीचे तक जितने भी ये हैं, उसके बाद जाऊँ क्लियर फ्रॉम सिलेक्शन में और से कहूँ कि जो मैंने नाम फर्स्ट टॉप पर रखा है वो बाकी इन सबका नाम सजेस्ट कर दो। जैसे क्लिक करके ओके करूँगा आप चेक करेंगे यहाँ एक नाम आएगा, और क्लिक करके जैसे इस पर सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका इनके नाम रखने का भी यही है कि एक एक को सेलेक्ट करें, डिफाइन नेम करें और उसका नाम कंप्यूटर रख लें, वरना मुझे सबको काम राम रखना है तो पहले इन सबको सेलेक्ट कर लें एंड देन इनके सारे लिस्ट को मैक्सिमम लेवल तक सेलेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करें और कहूँ कि हर लिस्ट का नाम जो उसका फर्स्ट कॉलम नेम है वो रख लें। तो मैं कहूँगा कि इसका नाम फर्स्ट कॉलम जो लेफ्ट वाला वो रख लें। सिमिलरली अगर राइट पर होता तो राइट पर कर देते, बॉटम पर होगा तो बॉटम पर कर देते। जैसे क्लिक करके हम उसको ओके करेंगे तो इन सब के नाम भी ये डिसाइड हो चुके हैं, ये चेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके सबके नाम ये हो चुके हैं। अब जो इनके नाम हो चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, हम इसको अप्लाई करेंगे लिस्ट फॉर्मेट में। लिस्ट फॉर्मेट में अप्लाई करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो आपने जो डेटा बनाया हुआ उसको एक शीट पर रहने दें, और जो दूसरा काम है वो आप एक नई शीट पर कर लें। जैसे एक शीट बनी हुई, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नई शीट ले लेता हूँ और उसका नाम लिख देता हूँ लिस्ट। लाजमी बात है कि इसके लिए आपको दो कॉलम रिक्वायर्ड होंगे, तो मैं आपको समझाने के लिए इसका नाम रख लेता हूँ मेन और इसका नाम रख लेता हूँ सब। ये हेडिंग के तौर पर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद इसको क्या फॉन्ट साइज वगैरह देना है, कॉलम की कितनी रखनी है, वो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन करने के लिए हमें करना ये होगा कि इस पर क्लिक करना है, जितने हिस्से पर हमें इसको अप्लाई करना है।
अगर पूरे कॉलम पर अप्लाई करना है तो पूरा कॉलम इस तरह सेलेक्ट किया जा सकता है, और लिमिटेड एरिया पे अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से होम में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स पर एंड देन थिक बॉक्स बॉर्डर पर, तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। एंड मैन लिस्ट एंड सब लिस्ट का ऑप्शन यहाँ रहा है, सब करके उसको बोल्ड कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो आप पहले से सीखे हुए हैं, सेलेक्ट करेंगे मैन लिस्ट को और डेटा में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे आप डेटा वैलिडेशन के ऊपर एंड देन क्लिक करेंगे यहाँ से लिस्ट के ऊपर एंड देन क्लिक करेंगे यहाँ सोर्सेस के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है कि मैन लिस्ट अप्लाई करना है तो उसका नाम हमें मिल जाएगा यहाँ से फॉर्मूला में जाकर, यूजिंग फॉर्मूला में आइटम्स या तो टाइप कर दें या तो डायरेक्टली सेलेक्ट करके इक्वल टू के साथ लिख दें, जब कुकी करेंगे तो ये इसके साथ सेलेक्ट हो जाएगा और बाउंड हो जाएंगे सर कंप्यूटर एंड देन स्मार्टफोन एंड देन दो तीन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब सब आइटम के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा पे और डेटा पे जाके दोबारा से क्लिक करेंगे यहाँ पे वैलिडेशन के ऊपर, क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन लेंगे आप लिस्ट का और लिस्ट लेने के बाद जाएंगे सोर्स में। अब क्या करेंगे, अब तो बहुत सारी लिस्ट है, वो सारी लिस्ट हमें सेट करनी है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। मतलब आप सोचें कि एक्सेल को हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं एक्सेल को वो जो सारी सब आइटम्स के नाम हैं कंप्यूटर फर्नीचर मोबाइल, वो उनकी लिस्ट के साथ हम कह रहे हैं एक्सेल को कि भाई मैच करना कि मेन लिस्ट में कौन सा मैच हो रहा है। कंप्यूटर मैच हो रहा है तो कंप्यूटर की लिस्ट का डेटा दिखाना, फर्नीचर मैच हो रहा है तो फर्नीचर के लिस्ट का डेटा दिखाना, लैपटॉप मैच हो रहा है तो लैपटॉप की लिस्ट का डेटा दिखाना, मतलब मल्टीपल सीरीज को बाउंड कर रहे हैं हम मैन कैटेगरी के साथ बाय उनके नाम रखे हुए जो उनके लिस्ट के नाम नेम के साथ पूरी डेटा आएगी, लेकिन डिपेंड करेगा ये नाम मैच होना चाहिए उसकी लिस्ट के मैन नाम से, सब लिस्ट से, यानी कि मैन लिस्ट पे कंप्यूटर है तो सब लिस्ट पे कंप्यूटर से मैच होगा तो सब लिस्ट का सारा डेटा वो नजर आएगा हमें। ये काम करता है एक फंक्शन जिसका नाम है इक्वल टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फंक्शन है, इक्वल को साइन लगाएंगे इक्वल और यहाँ लिखेंगे आई एन सी आई आर ई सी टी इनडायरेक्ट। ठीक है, और उसको करेंगे स्टार्ट ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपने रेफरेंस बाय माउस नहीं देना है, बाय कीबोर्ड देना है। कैसे देना है, जो पहली लिस्ट का नाम है उसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है, उस सेल का नाम है ए, कॉलम का नाम है ए और उसकी रो का नंबर है 2, तो रेफरेंस में लिखा जाएगा A2। माउस से क्लिक करेंगे तो वो उसके साथ डॉलर भी लगा देगा, फिर वो फिक्स हो जाएगा और फिर वो अपडेट नहीं हो सकेगा। एंड देन फिर हम उसको क्या करेंगे ओके, और जैसे ओके करेंगे तो देखिए कंप्यूटर के सामने लिखे आ रहे हैं कंप्यूटर ब्रांड के नाम। अब यहाँ से हम चेंज कर देते हैं और ले लेते हैं स्मार्टफोन, तो इसके सामने लिखे जा रहे हैं स्मार्टफोन के ब्रांड के नाम। और इसी तरीके से कि नीचे आ जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे स्मार्टफोन आ रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे ड्रेसेस आ रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे कंप्यूटर स्मार्टफोन के साथ, यहाँ कंप्यूटर ले लेते हैं, यहाँ क्लिक करके आपकी यहाँ से ये बात कुछ समझ में आ गई आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ को सिर्फ आपको यहाँ तक नहीं समझना है, ये मतलब आप कहीं सोच रहे हो कि हम इसको यहीं तक ही समझ के इसको यहाँ पर ही कर लेंगे, आपको इसको पूरा समझना है। पूरे का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट फंक्शन क्या कर रहा है और इसको आप आके कहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझे। एक जगह पर करीना का डेटा पड़ा हुआ है विद द नेम ऑफ करीना, और इनडायरेक्ट फंक्शन हम कहें जहाँ हम करीना सेलेक्ट करें तो करीना का सारा डेटा लेकर आ जाए, तो वो ऐसे भी करे। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट नाम के जरिए उसके सारा डेटा को कर सकते हैं, ये फिर आपने खुद को प्रैक्टिस करके समझना है किस तरीके से हो रहा होगा। सर यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई किस तरह से हमने काम किया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है और उसका सलूशन भी हमें रिक्वायर्ड है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्योंकि जनरली सारे डेटा को सिलेक्ट किया था तो कुछ डेटा के तो नाम जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और कुछ लिस्ट में नाम कम थे, तो जिनमें कम थे वो भी सिलेक्ट हो गए थे सेल्स, और सेल्स वो भी इसके साथ बाउंड हो गए। अब जब वो बाउंड हो गए तो जब मैं उसको जाके यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ लाइक सपोज स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन के ब्रांड ज़्यादा थे जबकि कंप्यूटर के ब्रांड कम थे, तो नीचे दो ऑप्शन खाली नजर आते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये तीन ऑप्शन खाली नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि इसको खाली को रिमूव कैसे करेंगे, और दूसरा इसका जवाब ये है कि खाली का तो मतलब सही भी है कि भाई अगर खाली नजर आ रहे हैं ड्रेस कलेक्शन में, तो मैं अगर कोई नई एंट्री करता हूँ लास्ट एंट्री टुडलर की है, तो टुडलर के आगे जाके एक एंट्री करता हूँ सपोज कभी
मैन वुमेन चिल्ड्रन टूडलर क्या कर लेते हैं, गर्ल लिख लेते हैं, एक गर्ल लिख दिया। अब ये एंट्री तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो गई और वहाँ पर भी अपडेट हो गई होगी, यहाँ पे चेक करते जाके तो यहाँ क्लिक किया तो देखो अपडेट हो गई यहाँ पे। लेकिन एक नुकसान ये है कि भाई ये बाकी खाली भी तो नजर आ रहे हैं ना, इनको कैसे खत्म करें? तो पहले जो खाली है इनको खत्म कैसे करते हैं ये सीखते हैं। अब आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि कौन कौन से खाली हैं, क्योंकि जब आप इनको इस तरह से कलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये खाली है, मतलब ये वाले खाली है, ये दो खाली है, क्योंकि आप इसको मैक्सिमम से देख लेंगे जो इसके मैक्सिमम के नीचे आ रहा है। तो खाली वालों को डिलीट करने का तरीका, तो खाली को सिलेक्ट करें, राइट बटन दबाएं, डिलीट में जाएं, ये देखिए डिलीट पर जैसे आप जाएंगे क्लिक करेंगे और यहाँ से कहेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है ना, अगर ऊपर होता था अप कर देते, और ये डिलीट हो गए, ये डिलीट हो गए, ये डिलीट हो गए, ये दोनों को डिलीट हो गए। ओके लेट्स चेक कि अब क्या वहां पे कोई इंपैक्ट पड़ा है, यहाँ लिस्ट पर आ गए और यहाँ पे जाके हमने चेक किया, सपोज चलिए अब लेते हैं यहाँ पे शूज, तो शूज भी फुल नजर आ रहे हैं आइटम्स के साथ। यहाँ से लिया हमने एडॉप्टर्स, तो भी एडॉप्टर्स भी पूरे नजर आ रहे हैं। यहाँ से हमने लिया प्रिंटर्स, ये देखें प्रिंटर भी फुल नजर आ रहा है। सही, तो पहला सोल्यूशन तो हमने जल्दी जल्दी से ये निकाल लिया। सेकेंड सोल्यूशन में ये होता है कि अब आपके पास कोई नए ब्रांड की चीजें आ गई, लेट्स सपोज अगर कंप्यूटर ब्रांड की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन कौन से ब्रांड की, डेल, एचपी, लेनोवो, एसर और एप्पल, कोई और ब्रांड भी आ गया आपके पास, उसको कैसे ऐड करेंगे? उसको ऐड करने के लिए आप दोबारा जाएंगे डेटा में, और डेटा में जाकर उसको उसके आगे ऐड कर देंगे। एप्पल के आगे हमारे पास जो दूसरा ब्रांड आ गया एसस का आ गया, ठीक है एसस आ गया, और एक और आ गया सोनी, सोनी वायो, तो ये इसका लिखा जाएगा सोनी वायो, लेकिन मैं स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, सोनी वायो ऐड कर दिया। सही, स्पेस नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पर चेक करेंगे लिस्ट में, तो यहाँ देखते हैं क्या वो ऐड हुए, तो देखते हैं वो ऐड नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है ना एसुस ऐड हुआ ना सोनी वायो ऐड किया। अब क्या करेंगे, उसको अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप दोबारा से उन सारे आइटम्स को सिलेक्ट करें और उनके लिस्ट के नाम को सिलेक्ट करें, एज यू सिलेक्ट देन क्लिक करें फॉर्मूलाज में, वन सेकेंड कहें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एंड कहें लेफ्ट कॉलम, तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वो उसी नाम पे कहेगा क्या मैं रिप्लेस कर दूं, हम कहेंगे हाँ रिप्लेस कर दो। तो पहले पांच नाम के साथ अपडेट था, सात नामों के साथ अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद जब आप लिस्ट में जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप चेक करेंगे तो दो आइटम फर्दर आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे। सही, ये भी समझ में आ गए। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको दो का बना के दिखाया, आप इसको तीन स्टेप्स में भी बना सकते हैं, चार स्टेप्स में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले इतना डेटा बनाना होगा। सही, तो एक चीज तो हमारी हो गई, ये असाइनमेंट में